हाय फ्रेंड्स, मणिमेकर में आपका भरे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीवीआर लिमिटेड शेयर के बारे में। अभी इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि अभी देख सकते हो कि पैंडेमिक का टाइम है और जितने भी दिल्ली में भी केजरीवाल सर बोले हैं कि आपका लॉकडाउन जितने भी है, तो ये सब बिजनेस में बहुत ठप पड़ा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा डाउनग्रेडेड है और 53% के नीचे आपको ये मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी थोड़ा थोड़ा करके SIP मोड में एकुमुलेट कर सकते हो, जो आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है दोस्तों। तो क्योंकि ये बिगेस्ट आपका सिनेमा और एग्जीबिशन और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इनका बिजनेस है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे जैसे लॉकडाउन और इसका आपका अपग्रेड भी हुआ है PVR का, और जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा, जैसे जैसे वैक्सीनेशन मई महीने से शुरू होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी भी नए नए आपका कोशिश कर रहे पूरा एकदम कि कोरोना जल्द से जल्द देश से गायब हो जाए। तो ये जैसे जैसे पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा, जैसे जैसे वैक्सीनेशन शुरू होगा, जैसे जैसे लोग ठीक होते रहेंगे, तो फिर से नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ जाएंगे, तो फिर से रिलैक्सेशन करने हम, और फिर से हम मूवी एंजॉय करने फैमिली के साथ दोस्तों के साथ हम जाया करेंगे थिएटर में। तो वैसे ही 53% और अपना ब्रेकआउट देगा दोस्तों, अपना लाइफ टाइम ब्रेकआउट दे के ये 2000 से भी ऊपर चला जाएगा। तो अभी आप जितने भी डीप में सिचुएशन मिले, उतने डीप में आप इसको बाइंग कर सकते हो। डिविडेंड उतना अच्छा देता नहीं है, रिटर्न ऑन FD ज़्यादा है, और बाकी तो देख ही सकते हो AGM लिस्ट में नहीं है। गुड एंट्री टाइम है, बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों, बहुत फंडामेंटल स्टॉक है, लेकिन पैंडेमिक के सिचुएशन के द्वारा ये स्टॉक नीचे आ गया है। ये बेस्ट वॉच स्टॉक है दोस्तों, आप इसको वॉच कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा एकुमुलेट कर सकते हो अभी से। और PE देख सकते हो, PE 209 पे है, जो सेक्टर PE 236 में है, और ज़्यादा से ज़्यादा 65% एनालिसिस करंट मार्केट प्राइस में बाइंग का अपॉर्चुनिटी बोल रहा है। आप SIP मोड में एक लमसम अमाउंट इसमें इन्वेस्ट मत करो दोस्तों, क्योंकि कभी भी फिर से लॉकडाउन लगेगा तो ये नीचे जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा सिटी मल्टीप्लेक्स में इसका बिजनेस मॉडल है, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, रेवेन्यू देखो कितना शानदार तरीके से आपका इंक्रीज हुआ है और होता रहेगा, लो प्लेस्ड है और इंक्रीज म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी इंक्रीज किया है। तो ये बेस्ट स्टॉक है मेरे ख्याल से, जो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, आप थोड़ा थोड़ा करके आप जैसे कि देख सकते हो, और ऐसे ही धीरे धीरे करके आप अगर एकुमुलेट करते रहोगे, तो ये स्टॉक आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको फायदे में दिखाई देगा दोस्तों। तो ये बेस्ट स्टॉक है आपका, आपको खरीद कर रख सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट वीक ऐसे PVR आप देख सकते हो कि सारे हॉट स्टॉक है, हॉट स्टॉक के बारे में दिया हुआ है, ये वॉच करना चाहिए। एक्सपर्ट की भी राय है, एंजल बुकर की तरफ से भी राय है। क्या अब ROCE देखो 20% है, जो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी है बहुत अच्छा माना जाता है 20%। और अभी चार्ट भी देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो कि 200 DMA से कितना ज़्यादा नीचे है दोस्तों, कितना ज़्यादा नीचे। तो मेरे ख्याल से आप बाई थोड़ा थोड़ा करके अभी कर सकते हो, और लो इंटरेस्ट कवरेज है प्रोमोटर होल्डिंग। अगर आप नीचे नहीं बाई करोगे, अगर आप थोड़ा सा वेट करोगे कि ऊपर आ जाए, तब आप उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा नहीं पाओगे। तो मेरे ख्याल से आप CAGR देखो, इसका सब कुछ देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो, और जो भी आपका जो अभी डाउनग्रेड दिखाई दे रहा है उतना अच्छा है नहीं। तो कोरोना की वजह से, कोविड के चलते ज़्यादा से ज़्यादा शहर में लॉकडाउन लगाया गया, सिनेमा हॉल में गेट टुगेदर नहीं होने के दिया जा रहा है। तो वैसे तो होल्डिंग, शेयर होल्डिंग क्या प्रोमोटर के पास से ज़्यादा FII ज़्यादा होल्डिंग स्टॉक किया है, ऐसे वीडियो ला रहा हूँ दोस्तों। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलो।